ओके, से पहले वीडियो शुरू करें ना, ये दो पार्ट में वीडियो है क्योंकि मैंने एक पार्ट रिकॉर्ड किया था बट वो बहुत बोरिंग और बहुत इरिटेटिंग थी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने कमेंट रीड करना शुरू कर दिया। सो अगर तुम न्यूज़ के लिए हो तो ये फर्स्ट पार्ट पूरा, अगर तुम्हें बोरिंग स्टफ नहीं देखना है तो तुम इस टाइम लाइन पर जा सकते हो। बस फेयर वार्निंग दिया मैंने क्योंकि मैं चाहता नहीं तुम अपना डेटा पैक खराब कर। और बढ़िया नहीं, क्यों क्या हो गया बोलो? कुछ नहीं हो अपनी, मेरे पास कमेंट में भी तुम अच्छा अच्छा हग रहे हो तो क्या मजे लूं मैं तुमसे? बे मजे लेने होते हैं कमेंट में। ये क्या प्यार दिखा रहे हो? इतना प्यार नहीं चाहिए। डैंग बन धोनी बन। अगर तुम्हें इस वीक ओपनिंग से नहीं पता ना कि ये वीडियो कितनी टट्टी होने वाली है तो समझ लो कि 8 बज रहे हैं और कोई भी ढंग का टॉपिक नहीं सिवाय एक बंदों के, मतलब दो बंदों के, कल जिसके बारे में बात करी थी अनुराग कश्यप और अनिल कपूर। क्या हगा है बे? अबे एक दिन पहले लड़ाई शुरू करी, एक दिन बाद ट्रेलर रिलीज कर दिया। फिल्म रिलीज करनी होती है तो ट्रेलर भी 3 महीना पहले या 1 साल पहले अपलोड कर देते हो ताकि खींच सको। एक दिन की लड़ाई खत्म। मैंने खुद सजेशन दिया था कि अभी कर रहे हो तो थोड़ा लंबा चलाना कि और मजा आए। नहीं नहीं नहीं, मेरा सजेशन क्यों? अबे तुझे क्या मालूम छोटी लल्ली वाले लेस्बियन? मैं अनुराग कश्यप हूँ, अनिल कपूर हूँ, झूठी फाइट करता हूँ। मतलब इतनी टट्टी स्क्रिप्ट के साथ फाइटिंग हुई है ऑनलाइन, तुम सोच रहे हो मूवी कितनी टट्टी हो सकती है? होगी, तभी तो इतना जल्दी कर दिया है। हाँ माहौल गरम है, अभी रिलीज कर देते हैं। अबे कितनी बार समझाया मैंने, अगर ट्रेलर में तुम्हें मजा आ रहा है ना तो उन्होंने सारे बेस्ट पार्ट डाल रखे हैं, मूवी टट्टी निकलेगी और निकली है। सेम चीज इस पर अप्लाई हो सकती है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ बट गेस कर रहा हूँ। अबे साले, बट छोड़ो इनके बारे में क्या बात करने। आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है पता चला? आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? जस्ट इनके तुम्हें नहीं मालूम ना, कोरोना से तुम अगर तंग हो तो ये समझ लो कि एक और बीमारी पैदा हो रही है इंडिया में, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश में 300 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और एक बंदे की मौत हो चुकी है। और अभी तक कॉज क्या है उस बीमारी का ये नहीं पता चला है, बट 300 लोग किसी एक हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, सो वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट जो नॉर्मल सिम्टम्स देखिए अभी तक वो है उल्टी आना और मिर्गी दौरे लगने। कुछ भी मैं जेन्युइनली दुआ कर रहा हूँ हम फिगर आउट कर सके और इसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि एक और कोरोना नहीं चाहिए मुझे। अबे मैं निकल नहीं पाता हूँ यार बाहर। तुम्हें क्या लग रहा संडे था मैं भूल गया? नहीं मेरे भाई, जितने केसेस आ रहे हैं ना कोरोना के उससे फटी हुई है मेरी, मैं रिस्क नहीं लेने वाला। मतलब कृति सैनन यार, हमारी मुंह बोली गर्लफ्रेंड, उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सनी देओल कोरोना पॉजिटिव हो रखे हैं। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सेफ नहीं हो पा रहे, हम तो फिर भी छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन हैं सबके सब। मैं लीडर तेरे बाप को मत सिखा चल। मतलब अभी राजस्थान से एक फनी न्यूज आई कि कोरोना केयर सेंटर जो था ना वहाँ पे लोगों की शादी हुई पीपीई किट में शादी हो रही है यार। और क्यों रुक जाते थोड़ी देर? मतलब समझ लो शादी ऐसा नहीं कि एक दिन की बात है भाई, पूरी जिंदगी चलनी है अगर सही रहा सब कुछ तो। मेरी दुआ से तुम बुढ़ापे तक साथ रह गए, वो शादी की फोटो रहेगी। तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे, बेटा देखो क्या खूबसूरत लग रहा हूँ, चेहरा ही नहीं दिख रहा पापा। बेटा मेरा मेकअप देख रही हो? अरे मुंह पे शील्ड है माँ, ये क्या है, साड़ी भी नहीं दिख रही अभी तो। और मैं भी देख रहा हूँ ना कि अभी शादियों का मौसम है तो सारे लोग जा रहे हैं। अब मैं खुद से पूछता कौन है ये लोग? पहली चीज दिल्ली में ना लिमिटेशन है और फिर भी लोग हजारों की मात्रा में बुलाते हैं और हम में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा, हम सब मोस्टली घर पे रहते हैं। सो तुम जहाँ भी हो अपनी थोड़ी प्रोटेक्शन रखो, प्रिकॉशन लेते रहो। मतलब तुम्हारा मास्क ना तुम्हारा कॉन्डम होना चाहिए, कॉन्डम तुम्हें बच्चों से बचाता है, मास्क तुम्हें कोरोना से बचाएगा। ट्रू स्टोरी ब्रो। ही इज स्टिल सो वल्गर। 17 मिनट रिकॉर्ड किया है, इसमें से 5 मिनट निकल गया ना भाई साहब, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी सच में बता रहा हूँ कुछ नहीं है, सिर्फ टट्टी है। अबे मैं टट्टी भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे, वो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी इस वीडियो से, मैं बोल रहा हूँ मैं। अब तो रिएक्शन चैनल ही बनाना पड़ेगा यार, दिन भर वही करता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, टॉपिक ढूंढता रहता हूँ, साला न्यूज ही नहीं आ रही, कोई ढंग की न्यूज नहीं इंटरेस्टिंग में, क्या बताऊँ मैं तुम्हें? एक तो साला लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाता, ऊपर से मैं टट्टी हग रहा हूँ यहाँ पे। अब तक तुम निकल भी गए होगे तो मजे लेके भी फायदा गया, और ये हरामी साला घर बना, इतने दिन से घर नहीं बन रहा इनसे और कोई टाइम लिमिट नहीं इनके पास, तब भी शुरू हो जाते हैं। सुबह से पोता पोता ही कर रहे थे, अब क्या तोड़ रहे हैं पता नहीं, आवाज आई जा रही है यार। तुम्हें आ रही आवाज? नहीं आ रही, फिर भी गाली दूंगा सालों का मैं। तू क्यों शांत है बज? साले लास्ट टाइम बजाया था दीवार तोड़ दी थी, तू क्या टूटेगा पकौड़े? हाँ मैं घंटी से भी कॉन्टेंट निकाल सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है ज्ञानी ऐ नहीं होने हम? सुनाओ डैंग बनो। अबे कुछ तो बोलो यार, यार इतने दिन से बात कर रहा हूँ मैं, मतलब टू बी स्पेसिफिक ऑलमोस्ट 4 साल से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कभी तो पलट के रिप्लाई कर दियो। नहीं नहीं मत करना, क्योंकि टेक्निकली मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ
और कैमरा पलट के बोल गया ना, गांठ फट जानी है मेरी। क्या होगा कल कमेंट में बहन क्या है, ए टी शर्ट नहीं शर्ट है तो क्या हो गया? क्या हो गया? टी एक्स्ट्रा थी मेरी तरफ से, मैं अपनी टी शर्ट को शर्ट बोलूं, अपनी शर्ट को पैजामा बोलूं, अपनी लुंगी को क्या कहते उसे, अरे जो औरतें पहनती हैं, फाउल, फाउल होता है क्या होता है, जो भी होता है, टट्टी बोलूं मैं अपना नाम टट्टी कुमार कर लूं, तेरे को क्या है? निकल गया गलती से, तुम पीछे ही पड़ गए, टी शर्ट नहीं शर्ट है, ब्रा है मेरी वो। और बोलो दूसरा गलती कर रहे थे कल की वीडियो में, मैंने स्टंपिंग को हिट विकेट भूल गया था। अबे मैंने मैच देखा नहीं, वो बात नहीं सुनी थी क्या पकौड़े? मुझे बस न्यूज देनी थी, मैं देख चला गया। मैं बैठ के तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, बस एक का कमेंट है, यानी रिस्पेक्ट की भीख मांगना बंद कर। अगर तू क्वालिटी कंटेंट बनेगा बनाएगा तो तेरे को व्यूज भी आएंगे, ऑफ रिस्पेक्ट भी करेंगे लोग। एक काम कर रहा यूट्यूब, वो तो कर ले ढंग से। लौड़े मैं क्या करता हूँ, तुझे खुद नहीं आइडिया? छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन जाके अपने बाप से पूछ। अब मैं डिसरिस्पेक्टिंग वे में नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुझे क्वालिटी कंटेंट नहीं लगता ना, क्वालिटी सब्जेक्टिव है लुल्ली। दूसरी चीज, कौन बोला व्यूज नहीं आ रहे बे? अगर मेरा 4 लाख सब्सक्राइबर है, मैं पर डे पे 40,000 व्यूज ले लेता हूँ, 10% है, बहुत अच्छी सक्सेस रेट है ये। हाँ ठीक है, मैं फेमस नहीं हूँ बट मैं खुश हूँ ना, और प्लस मैं पैसे भी कमा लेता हूँ, कौन बोला जे बात। और एक मिनट में उन चूतियों की तरह भी नहीं हूँ, 4-4 घंटे बैठ के लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं पैसों के लिए, मैं अपना पूरा दिन बैठ के एक वीडियो बना देता हूँ, उनको एडिटर हायर करना पड़ता है एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए। भाई मैं संतुष्ट हूँ अपने आप में, अपनी जिंदगी में, और तुम्हें लगता मैं फिक्र करता हूँ कि कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन से एंगल से तुझे लगता है मुझे फर्क पड़ता है इन चीजों से, कौन से एंगल से? ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। जिस दिन वो मेरे से रियल लाइफ में मिलेगा ना, तब मुझे कंप्लेन करना अपनी, फिर हम आंसर करेंगे, फिर डिस्कशन होगी। ऑनलाइन पता क्या, रियल लाइफ में सब नहीं सहते हैं, बट जैसे ही उनको मुखौटा मिलता है ना, वो अपने असली रंग दिखा देते हैं। ऑनलाइन मेरे लिए वो चीज़ है, साले इंस्टाग्राम देख मैं जा ही नहीं रहा, इसलिए मैं ऑनलाइन को कभी सीरियस नहीं ले सकता। हाँ इन्फॉर्मेशन वाइज मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं छोटी लुल्ली वाला नहीं, बड़े लोग गैंग मैं मेच्योर बोलने वाला था, बट मैं कहा यार इतनी हरकतें करी हैं, मेच्योर नहीं बोल सकता मैं अपने आप को। किसी ने कमेंट किया, यू आर द मोस्ट हैंडी एंड सेक्सी पर्सन इन माय वर्ल्ड। भाई अरे कहना क्या चाहते हो, हैंडी और सेक्सी के बाद भाई कौन बोलता है? बैंग बन पकौड़ी। किसी लड़की ने कमेंट किया, मैं नहीं मानते तुम खूबसूरत हो, एंड प्लॉट ट्विस्ट, आई एम अ गर्ल, मेरी लुल्ली ही नहीं है, जस्ट किडिंग। व्हाई आर वी स्टिल हियर? एक तो लड़कियों को हमेशा प्रॉब्लम क्यों होती है हर चीज से, जेनुइनली बताना दिल पे हाथ रख के, हर चीज से प्रॉब्लम है। साली ब्रोसेना का नाम बोलता था मैं, ए ब्रोसेना क्यों, सिस्टर सेना क्यों नहीं, ब्रोसेना में लड़कियां नहीं आ सकती क्या? हम इक्वली दे रहे हैं, हर चीज में उंगली करनी है मेरी लुल्ली। अरे ये इमोशन है, इमोशन है पापी पकौड़ी। माय गॉड मैं सच बता रहा हूँ, लड़कियों से तंग हो चुका हूँ मैं अपनी रियल लाइफ में, वर्चुअल लाइफ में। साले जीने दोगे कि नहीं दोगे मुझे? अरे किसी भी बात पे पकड़ा जाती है लड़कियां यार। अरे मान लिया बेवकूफ है, हम बेवकूफ हैं, बट तुम्हें तो पहले से पता होता है ना तुम किस चीज के लिए साइन अप कर रही हो। और भाई साहब माइंड गेम हो, अगर तुम्हें लगता ना तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो, किसी लड़की से बहस करके देखो क्या इमोशन से खेलती है बे। माइंड मैनिपुलेशन सबसे बेस्ट है इनका। एक मिनट, जिसके लिए वो जिसने कमेंट किया था उसके लिए बोला, मैं ओवरऑल के लिए बोला ठीक है, क्या रिस्पेक्ट मैं ऐसे रिस्पेक्ट करूंगा मैं? मतलब अभी मैं लड़की से बात कर रहा था, परसों की बात बताता हूँ मैं ठीक है। मैं अपना 11:30 तक वेट किया, कॉलोनी आई थी, मैं चला गया अमंगस खेलने लोगों के साथ, जिस दिन मैंने पैसे बांटे थे। फिर उसका 12:30 बजे सैटरडे वाले दिन, हाँ 12:30 बजे कॉल आ रहा है, तो मैंने डिस्कनेक्ट किया क्योंकि मैं लड़कों के साथ खेल रहा था गेम। तो मैंने कहा 5 मिनट बात करता हूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि हम लोग इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। भाई भड़क गई, पगला गई, सठिया गई। बंदी कहती तुम ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, पता है क्या बहुत लंबा चौड़ा मैसेज। मैं रात मेरे को लंबे मैसेज भेजोगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अरे भाई इतना पढ़ लिया होता तो साले डॉक्टर या इंजीनियर होता, टेक्स्ट मैसेज पढ़ के चूतिया ही कटना है। मैंने सिंपली पीस आउट बोल दिया, जाओ। वो भी ये वीडियो देख के खुश हो रही होगी, बाद में गालियां देगी मुझे, पाप हो गया तुझे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कल की वीडियो में कौन सी ऐसी जगह पे तुम्हें लगा कि मैं अपना नंबर बांटता फिरता हूँ? किसी ने कमेंट कर रखा है भाई तेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा? संजय पाजी बोलो नहीं। मैं ओवरऑल तुम्हारी जो कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी है कमेंट सेक्शन में जो रेंडमली आते हैं, ओ माय गॉड 419 हो गए, पकौड़े 7 दिन से हैं, 420 करवाओ, 420 साला। हर वीडियो खोलो, हर दिन डाल रहे ना, हर दिन वीडियो का कमेंट देखो, 419 या तो तू डेली देख के अपडेट रख कि 420 कब होते हैं, या फिर ऐसे बकवास कमेंट करना बंद कर। इससे पता मुझे पता चल जाता था कि तू डेली नहीं देखता, मेरे को शक है तुझ पे, चीटिंग करने हो ना तो मेरे साथ है।
साले तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारी गंदी तुम्हारे साथ करेगी। और नहीं नहीं अभी बंदी नहीं है ना, जिस दिन होगी उस दिन करेगी। और अगर तुम लड़की हो ना, तुम लेस्बियन बनोगी, फिर तुम्हारी बंदी बनेगी और फिर वो तुम पे चीटिंग करेगी। नेल्ड इट। वो किसी ने शायरी भेजी, किसी ने शायरी भेजी है ज्ञानी के ऊपर शायरी। तो अर्ज किया है, छोड़ दिया हमने उससे भी बेवफा कहना। ओ डीप है। जरूर हमसे भी ज्यादा प्यार करने वाले मिल गए होंगे उन्हें, हम भी जान गए एक बात उस दिन कि हालात किसी भी इंसान को कायर बना देता है और दिल पर दिए हुए उस बेवफा के जख्म किसी को भी शायर बना देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने एक्चुअली बोला हुआ है। अच्छा लगे तो वीडियो में बोल देना CLWL। मैं इतना रट्टा भी नहीं मारता, इसलिए मैंने सिर्फ देख के पढ़ा है। ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लाउड बोलते हो ना, अपना अपने जो भी चाहते हो उसे रखते हो, तो यूनिवर्स की जो पावर है ना, वो उसे सच करने में लग जाती है। तो ये प्लान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं लिटरली ना इतनी टट्टी वीडियो रिकॉर्ड कर रही कि मैं कमेंट्स से जा रहा हूँ, तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, ताकि ये वीडियो 10 मिनट की बन सके एंटरटेनिंग। हाँ इतना मैं रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए लीव अ लाइक। बाकी बहुत लेट हो चुका है, आधा घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। सो इसी नोट पे लाइक कर देना, कल इससे बेटर कंटेंट होगा पक्का। ये प्रेशर जो होते हैं ना, मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। सो मेरे को 10 बजे तक वीडियो देनी है, 8:30 हो चुके हैं, और इसे एडिट भी करना है, और मुझे बाहर भी जाना है। सो लीव अ लाइक, मैं बोलता हूँ तुमसे कल या मे बी थोड़ी देर में। तुझे लगता है मेरे पास कंटेंट ही नहीं तो ज्ञान होगा? हिला के सो जा, नहीं दूंगा।